सो हेलो गाइस, वेलकम टू कोडोना, कोडिंग से डरो ना। तो आज हम करेंगे हैकर रैंक का फ्रेम द एलिमेंट्स ऑफ अ लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे जो भी कंपिटेटिव कोडिंग के क्वेश्चंस या फिर उनके रिलेटेड क्वेरीज होंगे। तो यार, लिंक्ड लिस्ट का प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो हमने बेसिकली फ्रेंड्स लिंक्ड लिस्ट में जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं उसकी प्लेलिस्ट बना ली है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो आप वहां से देख सकते हो कि यार लिंक्ड लिस्ट पे कितने पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि कंपिटेटिव कोडिंग क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। उन सबकी वीडियो आपको उस लिंक के थ्रू मिल जाएंगे। तो यार प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो यार प्रॉब्लम सबसे पहला तो लिंक्ड लिस्ट होता क्या है? तो लिंक्ड लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर व्हिच इज मेड अप ऑफ नोड्स कनेक्टेड टुगेदर बाय पॉइंटर्स। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि यार लिंक्ड लिस्ट, जैसे कि मानो अपन ने 16 और 13 अपने डेटा थे, अभी तक अपन केवल डेटा डेटा से खेल रहे थे। तो 16 और 13 लेट से डेटा है अपने, अपन ने क्या किया है, अब लिंक्ड लिस्ट में क्या होगा कि अपने को एक डेटा के साथ नोड भी हो। अब ये नोड का क्या मतलब है कि जो कि जिस डेटा को अपन पॉइंट कर रहे हैं ना, उसका एड्रेस स्टोर करेगा, समझ रहे हो। जैसे कि 16 के बाद 13 था, तो अब ये हमेशा क्या करेगा कि 16 के नोड में 13 का एड्रेस स्टोर होगा, यानी कि उसके एक बाद वाले का एड्रेस इसके नोड में स्टोर होगा। इसका मतलब कि ये 16 जो पूरा ये एक नोड है, ये 13 वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। और जो स्टार्टिंग नोड होता है ना फ्रेंड्स, उसका एड्रेस हमेशा हेड हेड में स्टोर होगा। अभी हेड बेसिकली यार एक अपन ने वापस पॉइंटर बना लिया है, जिसमें कि यार इस जो स्टार्टिंग डेटा है उसका एड्रेस स्टोर होगा। तो उससे पता पड़ेगा कि यार ये एक पूरी लिंक लिस्ट है। और जो लास्ट नोड होता है, जैसे कि जो एंडिंग नोड है, उसका जो नोड होगा, उसका जो पॉइंटर होगा नोड का, वो हमेशा नल होगा फ्रेंड्स। क्योंकि यार ये जो 13 है, ये इसके बाद तो कोई वैल्यू है ही नहीं, यानी इसका मतलब है कि इसको पॉइंट कर ही नहीं रहा, तो अपन यहाँ पे नल डाल देते हैं। सर प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो 16 और 13 अपने को बेसिकली लिंक लिस्ट दी हुई है, प्रिंट करवाना है ये दो एलिमेंट्स। तो एक कुछ सूडो कोड दिया है, पहले एक कोड समझ लेते हैं कि ये है क्या जल्दी से। तो इसने यहाँ पे सबसे पहले तो लिस्ट काउंट एंटर कर लिया कि भाई कितने लिंक लिस्ट के एलिमेंट है। उसके बाद इसने प्रिंट नाम यहाँ पे इसने सीन करवा लिया, वो जितने भी एलिमेंट्स अपने को लिंक्ड लिस्ट के प्रिंट करवाने। उसके बाद इसने प्रिंट लिंक लिस्ट नाम के फंक्शन में ये एलिमेंट्स पास करवा लिए। अब अपने को बस कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, ये जो प्रिंट लिंक लिस्ट नाम का फंक्शन है, इसके जो एलिमेंट्स इसने पास करवाए, अपने को उनकी वैल्यूज प्रिंट करवानी है। तो अपन प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले तो एक लूप लगा लेते हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट हुआ ही नहीं, जैसे उस लिस्ट में कोई एलिमेंट था ही नहीं, तो ये फैड इक्वेशन नल को रिटर्न कर देंगे। अब ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये रिटर्न मैं अपन कोई वैल्यू पास नहीं कर रहा। इसका क्या मतलब हुआ कि देखो, पहले तो ये void नाम का डेटा टाइप का फंक्शन है, इसका मतलब रिटर्न स्टेटमेंट तो आना ही नहीं चाहिए। अब अपन रिटर्न स्टेटमेंट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यार अगर ये for, ये if loop चला, तो यार रिटर्न जब भी आएगा ना, तो ये सीधा फंक्शन बंद हो जाएगा, मतलब ये पूरा फंक्शन बंद हो जाएगा और रिटर्न कर देगा कुछ भी नहीं, ठीक है। और else अगर ये लूप नहीं चला तो क्या करेंगे, यार अपन एक लिंक लिस्ट का ही पॉइंटर बना देते हैं, ठीक है, p नाम का, p इक्वल्स टू हेड। अब यार मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि भाई मैं हेड की वैल्यूज p में डाल रहा हूँ। अब ध्यान रखना फ्रेंड्स, हमेशा हेड जो होता है ना, वो अपना मेन होता है, मेन पॉइंटर होता है। तो यार अपन बार बार उस पॉइंटर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, समझ रहे हो। तो अपन क्या करेंगे, हेड की वैल्यू p में डाल देते हैं। इसका मतलब अब जो पूरा अपन गेम खेलेंगे ना, वो p के साथ खेलेंगे। तो p इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, मतलब एक फॉर लूप चला है कि जब तक p नल नहीं हो, ठीक है, इसमें अपन क्या कर देंगे, p ऑफ डेटा। अब यार ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इसको कहते हैं एरो पॉइंटर, ठीक है। तो ये लिंक लिस्ट में यूज आता रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, उसके बाद क्या करना है, p इक्वल्स टू p ऑफ नेक्स्ट। इसका मतलब कि जो अगला एड्रेस होगा वो अपने आप p में डाल देगा और वापस वो p ऑफ डेटा को पॉइंट कर देगा। तो ये अपना फॉर लूप सॉरी व्हाइल लूप चल गया है। तो अपन यहाँ पे क्या कर देते हैं, बंद खत्म, रन द कोड। तो अपने टेस्ट केस पास हो चुका है, लेट सबमिट इट। अपने सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं फ्रेंड्स, ये अपना कोड था। अगर आपको कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर लिंक्ड लिस्ट के क्वेश्चन, जो कि आपको और वीडियोस जो मैं प्रोवाइड करूंगा उसमें मिल जाएंगे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।